तो दोस्तों सुल्तानगंज की कुछ ऐसा सीन है, घाट की देख सकते हैं भाई। यहाँ पर दोस्तों सावंती मेला 2023 का बोर्ड लगा हुआ देख सकते। व्हाट्सएप गाइस, मैं चंदन ना। तो दोस्तों फाइनली देवघर के लिए निकल रहे हैं, तो बैग वगैरह लेते हैं और चलते हैं। बस यहाँ से लेंगे टेम्पो, तब आते हैं मम्मी देवघर से दर्शन करके। तो दोस्तों फाइनली पूर्णिया बस स्टैंड पहुंच गए और यहां से दोस्तों पकड़ते हैं भागलपुर का बस और डायरेक्ट चलेंगे भागलपुर। तो दोस्तों अभी जो है ना पूर्णिया बस स्टैंड में ही हूँ, देख सकते हैं ये पूर्णिया बस स्टैंड कुछ ऐसा सीन है। और ये भाई भागलपुर वाला बस रहा जा रहा है, तो बैठते हैं भागलपुर वाला बस में और चलेंगे वहाँ। कितना भागलपुर का कितना किराया लेते हैं? 120 रुपया। तो भाई लोग 120 रुपया लेते हैं भागलपुर का किराया। चलते हैं बस में। बस तो भाई पूरा खाली है। तो दोस्तों फाइनली बस में पति बैठ गए हैं। पूर्णिया बस स्टैंड है, बस खुलने ही वाली है, खुल ही गई है देख सकते हैं, चल रहा है। यहाँ से भाई वही 3 घंटा लगेंगे, 3-3.5 घंटा भागलपुर छोड़ देंगे और वहाँ से टेम्पो पकड़ लेंगे सुल्तानगंज के लिए और पहुँच जाएंगे सुल्तानगंज, नहा के फिर चलेंगे वहाँ। चलते हैं और सीन वगैरह दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली नौगछिया पहुंच गए हैं और यहां से बस वही 30-40 मिनट लगेगा भागलपुर पहुंचने में। ऐसा कुछ सीन है नौगछिया की। तो दोस्तों फाइनली भागलपुर और बीच के सामने आए गए हैं, ये देख सकते हैं भागलपुर। तो दोस्तों फाइनली ये भागलपुर का जो सरकारी बस स्टैंड है वहां तक पहुंच गए और यहां जो है ना एकदम भाई मौसम खराब कर दिया पूरा, एकदम देख सकते चारों तरफ बारिश ही बारिश गिर रहा है और मौसम भी जो है ना एकदम सही नहीं है। मेरे तरफ तो एकदम धूप वगैरह था जो देखे ही आप लोग, इधर एकदम पूरी बारिश गिर रहे हैं ये जो दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली भागलपुर रेलवे जंक्शन के सामने आ गए और यहाँ से दोस्तों लेंगे आपको सुल्तानगंज का टेम्पो, चलता है यहाँ से, ट्रेन भी चलता है दोस्तों, लेकिन ट्रेन में इतना भीड़ रहता है क्या बताए। ये दोस्तों भागलपुर रेलवे जंक्शन की फ्रंट की सीन देख सकते हैं। तो सामने आपको गेट से आपको ये सुल्तानगंज के टेम्पो वगैरह मिल जाएंगे, दोस्तों 20 रुपया किराया लेता है और आसानी से छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है भागलपुर रेलवे जंक्शन की। और सामने दोस्तों आपका ये हो गया दोस्तों भागलपुर रेलवे जंक्शन के फ्रंट की सीन। इधर दोस्तों चल जाता आपको जो बस स्टैंड है, ये प्राइवेट बस स्टैंड, सीधे जाइए वो प्राइवेट बस स्टैंड तरफ चल जाएगा और इधर आपको दोस्तों सीधा वही सुल्तानगंज तरफ। तो दोस्तों भागलपुर रेलवे जंक्शन के बाहर में आपको टेम्पो वगैरह सुल्तानगंज के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये टेम्पो है, तो भाई साहब ले जा रहे हैं, तो बस कुछ ही समय बाद खुल जाएंगे। यहाँ तो दोस्तों जो किराया लेता है 50 रुपये लेते हैं ना जाने में, तो ज़्यादा मैं किराया है नहीं। आप भागलपुर रेलवे जंक्शन के सामने आ जाइए और यहाँ से गाड़ी चलते रहता है ना, कोई भी टाइम में आएगा आराम से मिल जाएगा गाड़ी। तो ऐसा पीछे बैठ गए, बारिश का मौसम है पता ही होगा, पूरा एकदम बारिश गिर रहा है। तो दोस्तों फाइनली टेम्पो खुल चुका है और यहाँ से हमारा 1 घंटा लगेगा जाने में, कोई हमारा दूर नहीं है यहाँ से। यहाँ से सुल्तानगंज कितना किलोमीटर है लगभग? यहाँ से सुल्तानगंज कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर। यहाँ 20-25 किलोमीटर होगा। तो
ऐसा कुछ सीन है। टेम्पो में तो जबरदस्त लोग बैठे हैं, चार चार आठ 16। तो दोस्तों फाइनली सुल्तानगंज पहुंच गए हैं और ये रहा दोस्तों मेन चौक, जहाँ से दोस्तों जो सीधा रास्ता है ना वो डायरेक्ट सुल्तानगंज घाट की तरफ चल जाता है। तो ये रहा स्टेशन जो है ना, सीधे आपको दोस्तों ये वाली रास्ता स्टेशन चल जाएगा और इधर दोस्तों देख सकते हैं डायरेक्ट घाट तरफ। तो चलते हैं घाट तरफ डायरेक्ट और दिखाते हैं वहाँ के सीन आपको। यहाँ दोस्तों यदि आप तो दोस्तों बस यहाँ से 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर घाट उपस्थित होगा, 100 मीटर होगा ना, तो भाई साहब बोल रहे हैं 100 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए दिखाते हैं आपको घाट तरफ। तो दोस्तों जहाँ पर सावंती मेला होता है वहाँ उसके सामने आ गए, ये जो सामने जो देख रहे हैं यहीं पर लगता है। और सामने दोस्तों जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है ये दोस्तों कुछ दिन पहले आपको टूट गया था, देखे थे वही वाली ब्रिज है। ये दोस्तों सुल्तानगंज से जो है ना खगड़िया तक बन रहे थे, लेकिन बार बार ये टूट ही जाता है भाई। तो दोस्तों फाइनली मेन मोड़ में आ ही गए हैं, जो दोस्तों बाबा धाम आए ये वाली मोड़ तो आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ से दोस्तों मेनली चल जाता है आपको इधर रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन तरफ जाता है बस से रेलवे स्टेशन, इधर डाक बम निकल जाता है पैदल जाने वाला। और इधर से दोस्तों क्या कहता है घाट तरफ जाता है। तो चलते हैं घाट तरफ, अभी जो जो लोग इधर जा रहे हैं ना सब घाट तरफ जा रहे हैं। ये भाई लोग देखे पानी वगैरह ले लिए हैं और ये लोग जा रहे हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं घाट तरफ, ये लोग जा रहे हैं बाबा के दरबार तरफ। तो और इधर है दोस्तों मेन गेट, तो चलिए गेट तरफ और दिखाते हैं आप। तो दोस्तों सुल्तानगंज की कुछ ऐसा सीन है घाट की, देख सकते हैं भाई लोगन तो एकदम जबरदस्त है, श्रद्धालु के जो है ना एकदम जबरदस्त भीड़ है, देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर। दोस्तों बता दे ऐसा भीड़ जो है ना पूरी की पूरी 2 महीना चलेगी, 2 महीना तक पूरे सावन भर जो है ना ऐसे ही भीड़ लगा रहेगी। पहले जो दोस्तों था पहले उधर घाट था और ये वाली घाट दोस्तों वही 5-6 साल पहले नया करके बनाए गए हैं और देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन है। आदमी तो भाई एकदम जबरदस्त वाली है, ऐसा हो हर बारी ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो पूजा वगैरह सब कर रहे हैं, देख सकते हैं नीचे आपको कोई सा दिक्कत नहीं होगा। हाँ ये गंगा स्नान करते हैं, पानी वगैरह भरते हैं, उसके बाद जल ना जल वगैरह भरते हैं, उसके बाद चलते हैं गंगा जल भरते हैं। Thank you.
तो बाबा जी वो जगह सा बनाई ऊपर में की तो कैमरा कहाँ से लाए मैं? ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें वीडियो बनाते हैं। ये भी वीडियो यूट्यूब में डालेगा। अभी नाव वगैरह लिए, पूजा वगैरह कर लिए, तो ये भी वो लगा लेते कि आप ढूंढ रहे थे आप कहाँ पर। क्या नाम अपने फिर? मेरा चैनल का नाम है चंदन नाथ। चैनल का नाम है चंदन नाथ? हाँ, इंडियन टू। और मेरा नाम चंदन देव। अब क्या सर्च मारेंगे यूट्यूब में? मारिएगा कि भागलपुर, कोई भी भागलपुर जिला जो भी है। अच्छा। जैसे यहाँ पर है, क्या कहता है, तो दोस्तों लगा वगैरह लिए तो चलते हैं बस स्टैंड। बस स्टैंड से बस पकड़ेंगे, डायरेक्ट चलेंगे देवघर। तो भाई साहब हर हर महादेव बोल बम। तो दोस्तों चलते हैं अब बस स्टैंड तरफ, सब कुछ कर लिए हैं। तो ऐसा कुछ सीन है भाई यहाँ की, सुल्तानगंज की। यहाँ जो है ना भाई, तुरंत बरसात, तुरंत जो है ना धूप, मैंने होते ही रहता है। ये रहा गेट। और यदि दोस्तों आप डाकबंग जाना चाहते हैं तो ये आपको वो जो घाट के बाहर निकलिएगा ना, उसके सामने दोस्तों ये काउंटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप पर्ची वगैरह ले लीजिएगा और वहाँ पर आपको जल्दी हो जाएगा, 12 घंटा का टाइम मिलता है डाकबंग का। तो देखिए लोग सब पर्ची ले रहे हैं। आइए बाम चेंज है, बोल बाम। तो दोस्तों देवघर जाने के रास्ता में आपको दोस्तों बहुत सारे जो है ना टेंट बनाकर सरकार के द्वारा ऐसा ठहरने के लिए व्यवस्था किया गया है। ये दोस्तों सुल्तानगंज में है। ऐसे दोस्तों आपको रोड में, सारे रोड में आपको देखने को मिल जाएंगे थोड़े देर बाद ही। कावन ठहराव स्थान है सर। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना कुछ भी ये बैठने के लिए ले लें और आराम से यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। जैसे लोग कर भी रहे, देख सकते हैं बहुत सारे। तो दोस्तों डाक बंग के लिए जो दो ये टी शर्ट में दोस्तों नंबर वगैरह जो कहाँ सा है लिखा जाता है, वो दोस्तों आपको सारे रोड में सुल्तानगंज में लिखने को देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी लिख रहे, देख सकते हैं 40-50 लेते हैं और व्हाइट कपड़े में आपको नंबर वगैरह जो भी होता है वो लिख देता है। तो दोस्तों फाइनली सुल्तानगंज बस स्टैंड में आ गए हैं और यहाँ पर जो है ना बस वगैरह भाई सब फुल है, देख सकते हैं। तो दोस्तों वो पीछे वाली जो बस है वो भी फुल है। तो तीसरी बस आएगी, तीसरी चौथी, हर आधा घंटा 20 मिनट में बस चलते ही रहता है। तो दूसरी वाली बस आएगी, उसमें बैठेंगे, आराम से चलेंगे। ऐसे दिक्कत करके जाके कोई ये नहीं है, परेशानी हो जाएगा जाते जाते। दोस्तों सीट के लिए एकदम मारपीट लग गई अंदर में। तो सीट वगैरह मिल जाएंगे दो, फिर भी दोस्तों आधा घंटा 20 मिनट बाद फिर एक गाड़ी आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं बस वगैरह है नहीं, इसीलिए आदमी घबरा जाते हैं और उसके बाद सीट के लिए बस हाथापाई करने लगते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। तो भाई देवघर में फाइनली सीट मिल गया। बस लिमिटेड है ना, इसीलिए भाई बहुत भीड़ हो जाता है, तुरंत एकदम आदमी चढ़ गया बस पर, बस में बैठने के लिए। तो भाई साहब आप उनकी भी सीट मिल गई एकदम डोर के सामने, चलेंगे आराम से और देख सकते बस में क्या क्या सीन है भाई। बस जो है ना आते आते तुरंत फुल हो गया, तो हम भी बैठ गए उनकी सीट रहा नीचे सामने, ये खाली ही है, उसमें कोई बैठ जाएगा। तो दोस्तों अब बस खुलने में तो टाइम लगेगा, आधा घंटा लगभग लगेगा, वो बात उत करेगा, टिकट वगैरह काटेगा, उसके बाद बस खुलेगा। तो दोस्तों फाइनली बस खुल चुका है और यहाँ से बस वही 3.5-4 घंटा लगेंगे, पहुँच जाएंगे। भाई लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन है बस की। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तो दोस्तों ये वाला आपको डाकबंग का रास्ता देखने को मिल जाएंगे। जो भी दोस्तों पैदल यात्री जाते हैं ना, यही रास्ते से जाते हैं। इसको दोस्तों एकदम बालू से जो है ना एकदम जबरदस्त बनाया गया है, चलने में आपको कोई सा प्रॉब्लम नहीं हो, देख सकते हैं लोगन चल भी रहा है। ये दोस्तों रोड और इसके बगल में ये देख सकते हैं, आगे चलकर दोस्तों इधर उधर चल जाते हैं। मेनली जो है ना अधिक
तो दोस्तों फाइनली यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ दोस्तों अंबेडकर का ये लगा हुआ है, पता नहीं कौन। हेलो, अब भाई हिली एरिया, अब भाई जो है ना पूरी हिली एरिया चालू हो गया इधर, सब सारे हिली एरिया है। और जो पैदल रास्ता है उसके उस पार से जो आप देख रहे हैं, नीचे से गया है पैदल यात्रा, सब जा रहे हैं। तो भाई लोग अभी जिलेबी मोड़ आ गए हैं और बादल देख सकते हैं, एकदम उधर एकदम लगता है बादल लगा हुआ है पूरी। ये भाई रोड एकदम घूम रहा है, ये जो है ना भाई रोड एकदम घूमते रहता है इधर उधर, ये देख सकते हैं। फिर टर्निंग लिया, फिर इधर से घूमेगा, इसीलिए इसे जो है ना जिलेबी मोड़ कहा जाता है। चारों तरफ भाई पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। अभी तो बता ही दे हिली एरिया चालू हो गया, तो वही सब मिलेगा, पहाड़ पत्थर। इधर दोस्तों फारबिसगंज पूर्णिया अररिया का जो सेवा संघ है वो सब यहाँ पर है, लगा हुआ है। मैं बिहार के हर एक जिला का आपको यहाँ पर सेवा संघ देखने को मिल जाएंगे। रोड में जो पैदल मार्ग रहता है ना उसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसा सीन है, देख सकते हैं गाड़ी वगैरह जो लेके आएगा ना यहाँ पर पार्किंग कर रहे हैं, पार्किंग वगैरह लगाने की व्यवस्था से यहाँ पर है शायद। तो दोस्तों बस वगैरह जो है ना साइड में लगा दिया, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर होंगे और पता वगैरह करते हैं। और डांस वगैरह तो भाई एक क्लास हो रहे हैं यहाँ। दोस्तों पुलिस बोल दिए कि जाओ, तो जाने के लिए बोल दिए भाई, एकदम हड़बड़ी लग गई सबकी। देख लो पूरी गाड़ी रोक लिए थे, जितनी जितनी गाड़ी देख रहे हैं ना पूरी गाड़ी रोक लिए थे। अब भाई बोले निकलो तुम लोग जल्दी, 5 मिनट का टाइम है, बस वाला भी एकदम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो दोस्तों जो देवघर का बस स्टैंड बनाया गया है, अभी जो गाड़ी उधर से आएगा ये दोस्तों सावन में ही बनाया जाता है, वहां तक दोस्तों बस वाला छोड़ दिया। अब यहां से दोस्तों देखते हैं मंदिर तक टोटो पकड़ के जाना पड़ेगा, फिर लाइन लगना पड़ेगा। तो अंदर में कुछ व्यवस्था है आपको दिखाते हैं, यदि रहना चाहते हैं तो अंदर में क्लास फैसिलिटी किया हुआ है, चलिए दिखाते हैं।
तो दोस्तों देवघर में जो बस स्टैंड बनाया गया है उसके सामने दोस्तों रहने का व्यवस्था हर साल किया जाता है, इस साल भी किया है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं क्या सीन है। ये दोस्तों तो दोस्तों फाइनली खाना ले लिए हैं। ये दोस्तों तो मेरे को है ना लाड वाले टेंट में एकदम लास्ट में ये मिले हैं। शायद वही 8:30 बज रहे होंगे, तो 6-7 घंटा रेस्ट कर लेते हैं फिर वापस चलेंगे।